a monkey in a red jumpsuit. He's pointing and he's laughing at you and he's crying true. And it sucks. हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल ऑटो डीएनए पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XUV300 के W9 वेरिएंट के बारे में। तो ये इसका आगे का डायमंड नल जैसा आपको ग्रिल मिलता है, इधर आपको लाइट्स मिलते हैं, फुल LED मिलता है आपको, ऊपर DRLs भी मिलते हैं, साइड पे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, इधर नीचे आपको फॉग लैंप सेटअप मिलता है, चीता इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इसमें जैसे आपको XUV300 में भी देखने को मिलता है। और इधर देखें तो आपको पूरा फ्रंट फेशिया मिलता है, काफ़ी अच्छा है लगता है। इधर आपको 17 इंच के प्रेसिशन का ड्यूलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, महिंद्रा का लोगो आपको बीच में देखने को मिलता है। ये W9 वेरिएंट है, आपको बेसिक अलॉयज मिलते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपको जो साइड व्यू मिरर है वो बॉडी कलर मिलता है और साइड इंडिकेटर्स के साथ मिलता है। इधर आपका जो डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर्ड है और कीलेस एंट्री के साथ आता है, पैसिव कीलेस एंट्री कहते हैं। उसके अलावा इसका जो पूरा साइड फेशिया या साइड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। पहले जो आपको XUV500 मिलता था उसमें आपको थोड़ा डिसेंट सा मिलता था, अभी रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके जो टेल लैंप्स है वो पूरे LED है, फुल LED है आप देख सकते हैं, और नीचे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो इसको काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं। और यहाँ पर आपको रियर वाइप वॉश का फंक्शन मिलता है, डिफॉगर भी आपको मिल जाते हैं इस पर, और आपको यहाँ पे ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, और उसी के नीचे आपको रियर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। XUV500 का बैजिंग मिलता है, W9 वेरिएंट का बैजिंग मिलता है इधर आपको। इंटीरियर की तरफ देखेंगे तो आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं, और आपका चाइल्ड लॉक सिस्टम सब है आपको, मिरर आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, कैमरा व्यू भी चेंज कर सकते हैं। जो इंटीरियर आता है काफ़ी सुंदर लगता है, इसको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेनली ये फ्लोटिंग टाइप है, यानी इस पर कोई ग्लास चढ़ा नहीं हुआ है, अच्छा लगता है। ओवरऑल इंटीरियर की लुक शानदार लगता है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, नॉर्मल इंडिकेटर लाइट्स मिलते हैं और लाइट ऑपरेशन बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा सा 7 इंच का स्क्रीन मिलता है, नीचे आपको सारे कंट्रोल्स, वॉल्यूम सबके आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। यह आपका सेकेंडरी ग्लव बॉक्स है और इसके नीचे आपको एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है, इधर आपको एसी वेंट मिलता है नॉर्मल विथ डिसेंट कंट्रोल्स, ऊपर आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है, और उसी के जस्ट ऊपर या उसी के बगल में आपको दो रीडिंग और या कैबिन लाइट्स बोल सकते हैं वो भी मिलते हैं। इधर आपको सनरूफ को खोलने के लिए आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर ये ओपन ना हो पाए क्योंकि इसकी बैटरी अभी थोड़ी डेड है, सॉरी गाइस। और इधर देखिए आपको एक टैन और एक लेदर टाइप फिनिशिंग, एक नेट टाइप फिनिशिंग का मिलता है, नीचे आपको पूरा लेदर मिलता है, इसमें आपको बोलस्ट्रिंग फंक्शन ये सारे फंक्शन मिलते हैं, पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश इधर, और स्टीयरिंग है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है ये वाला वेरिएंट, तो वो पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया हुआ पूरे इसमें, और एक झरना टाइप लुक दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है। XUV500 का जो W9 वेरिएंट है उसका प्राइस 15.45 लाख पैन इंडिया है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं, नया वेरिएंट है अभी जो लॉन्च हुआ है, पहले आपको W6, W8, फिर W10, W11 और फिर अभी W11 ऑप्शनल भी मिलता है। ये आपका W9 वेरिएंट है, नया वेरिएंट है, कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ था। तो गाइस इसी के साथ हम आज का ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।